हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री कोर्स 7 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें अथवा प्लासी युद्ध के मुख्य कारणों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हो सका। यानी कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच हुआ था। यह युद्ध जो है भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों का भारत में शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। अंग्रेजों का बंगाल पर शुरुआत से ही नज़र था। इसका कारण यह था कि बंगाल की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी और अंग्रेज वहां से अधिक धन कमाना चाहता था, जिसके कारण किसी भी कीमत पर अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। यानी कि बंगाल पर जो है अंग्रेजों का शुरुआती से नज़र था। नज़र होने के कारण यह था कि जो बंगाल का भूमि था काफ़ी उपजाऊ था और वहां से यह अधिक धन को कमाना चाहता था, जिसके कारण अंग्रेजों ने किसी भी कीमत पर बंगाल पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहा। अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सिराजुद्दौला के सभी दुश्मनों को अपने पक्ष में मिला लिया। साथ ही अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया। यानी कि जब सिराजुद्दौला से अंग्रेजों ने बंगाल में अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह किया कि जो सिराजुद्दौला के दुश्मन थे सभी दुश्मनों से हाथ मिला लिया। यहाँ तक कि जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर, उनसे भी जो है अंग्रेजों ने हाथ मिला लिया। यह माना जाता है कि अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और नवाब के सेनापति मीर जाफर के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार यदि मीर जाफर अंग्रेजों का साथ देगा तो उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ मीर जाफर देगा तो उनको जो है बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है प्लासी युद्ध के कारण। प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? तो प्लासी युद्ध के जो है अनेक कारण थे जो इस प्रकार के हैं। पहला कारण था अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी। प्लासी युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को किलेबंदी करने से रोकने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेजों ने उनके आदेश को नहीं माना और किलेबंदी के कार्य को जारी रखा, जिसके बाद सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया और कासिम बाजार सहित अंग्रेजों के कारखानों पर अपना अधिकार कर लिया। इस समय किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी होलवेल को दिया गया था और अन्य सभी अंग्रेज अधिकारी वहां से भाग गए थे, जिसके बाद नवाब ने 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम किले पर अपना अधिकार कर लिया था तथा अन्य अंग्रेज व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो प्लासी युद्ध का प्रथम कारण जो माना जाता है वो है अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कोलकाता में किलेबंदी करने से रोका था, लेकिन अंग्रेजों ने उनके आदेश को नहीं माना और जो है किलेबंदी के कार्य को जारी रखा, जिसके बाद जो है सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया और कासिम बाजार सहित अंग्रेजों के जो कारखाने थे उन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इस समय जो है किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है होलवेल को दिया गया था, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, और अन्य सभी जो अधिकारी थे वह वहां से भाग गए थे, जिसके बाद जो है नवाब ने वहां पर आक्रमण कर दिया और 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम किले पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और उस समय वहां पर जितने भी अंग्रेज व्यापारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो है आपको दूसरा पॉइंट बनाना है वो है काली कोठरी की दुर्घटना, ब्लैक होल का दुर्घटना। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम किले को जीत लिया उसके बाद अंग्रेज व्यापारियों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एक छोटी सी कोठरी में लगभग 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया गया
एक छोटी सी कोठरी में अधिक लोगों को बंद किया गया था, जिसके कारण 146 में से 123 व्यक्तियों का दम घुटने से मृत्यु हो गया। इनमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। इस दुर्घटना को ब्लैक होल या काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। इस दुर्घटना के बारे में अंग्रेजों को पता चला तो वह काफ़ी क्रोधित हुआ और सिराजुद्दौला से बदला लेना चाहता था। यानी कि प्लासी युद्ध का जो दूसरा कारण माना जाता है वो है काली कोठरी की दुर्घटना, यानी ब्लैक होल की दुर्घटना। इसमें यह हुआ था कि जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम किले पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, उसके बाद जो है वहाँ पर जितने भी अंग्रेज व्यापारी मिले उनको गिरफ्तार कर लिया गया और एक छोटी सी कोठरी में यानी 10x12 के रूम में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया गया। उस समय जो है गर्मी का मौसम था, जिसके कारण 146 लोगों का होने के कारण लगभग 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी दम घुटने के कारण से। इसमें से केवल जो है 23 व्यक्ति बचे थे। इस दुर्घटना को ब्लैक होल का दुर्घटना कहा जाता है। तो जब इस दुर्घटना के बारे में अंग्रेजों को पता चला तो वह काफ़ी क्रोधित था, क्योंकि सिराजुद्दौला ने इस प्रकार की दुर्घटना किया था, उनसे बदला लेना चाहता था। तो इस प्रकार से प्लासी युद्ध का जो दूसरा कारण माना जाता है वो है काली कोठरी की दुर्घटना या ब्लैक होल की दुर्घटना। उसके बाद जो आपको तीसरा पॉइंट बनाना है वो है अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट फर्रुख सियर से बिना कर टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। उन्हें केवल व्यापार की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने दस्तक प्रणाली को लागू करा दिया था। जिसके पास दस्तक यानी फ्री पास होता था उन्हीं को ही केवल व्यापार के लिए छूट दिया जाता था। यानी कि प्लासी युद्ध के जो तीसरा कारण माने जाते हैं वो है अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। कैसे? अंग्रेजों ने मुगल सम्राट जो फर्रुख सियर था उनसे मुक्त व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अब मुक्त व्यापार कर सकता था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। दुरुपयोग इस प्रकार से करता था, अंग्रेजों ने दस्तक प्रणाली को बना लिया था। दस्तक प्रणाली यानी फ्री पास, जिसके पास फ्री पास होता था वही व्यक्ति यहाँ से मुक्त में व्यापार कर सकता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, दस्तक प्रणाली जो अपना बनाया हुआ था उसको अन्य व्यक्ति के साथ बेच देता था, जो विदेशी व्यक्ति होते थे। और इस प्रकार से इन्होंने यह कहकर दोबारा दस्तक बनवा लिया जाता था कि मेरा जो दस्तक है वो खो गया है। तो इस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने व्यापार के क्षेत्रों में अपना दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है ऐसे में अंग्रेजों ने, यहाँ पर पानी नहीं होगा, विदेशियों व्यापारियों को अपना दस्तक कुछ कीमत लेकर बेच देता था और अंग्रेज कर्मचारी दस्तक हो जाने को कहकर दोबारा से बना लेता था, जैसे कि हमने आपको बताया है। इससे यह हुआ कि विदेशी व्यापारी मुक्त में व्यापार कर लेता था, जिससे नवाब को आय में काफ़ी कमी आई। नवाब को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने दस्तक प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण भी अंग्रेजों और नवाब के बीच युद्ध हुआ। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब दस्तक प्रणाली के बारे में नवाब को पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है वह इनका दुरुपयोग कर रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले दस्तक प्रणाली व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें यह माना जाता है कि जब दस्तक प्रणाली पर नवाब ने प्रतिबंध लगा दिया उसके बाद जो है अंग्रेज और नवाब के बीच टकराहट हुई और इस प्रकार से जो है प्लासी का युद्ध हुआ। था जो आपको पॉइंट बनाना है वो है अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को बंगाल से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा और नवाब के सेनापति मीर जाफर जो थे उनको अपने पक्ष में मिला लिया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना बहुत पहले से देख रहा था, लेकिन सिराजुद्दौला के होते हुए वह नवाब नहीं बन सकता था, जिसके कारण अंग्रेजों ने गुप्त रूप से मीर जाफर के साथ संधि कर लिया। यानी कि प्लासी युद्ध का जो चौथा कारण माना जाता है वो यह है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को बंगाल से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला उनके जो सेनापति थे मीर जाफर उनको अपने पक्ष में मिला लिया। मीर जाफर को यह लालच दिया कि यदि वह इनका साथ देगा तो उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बनने के लिए बहुत दिन से सपना देख रहा था, लेकिन सिराजुद्दौला के रहते हुए वह बंगाल का नवाब नहीं बन पा रहा था। तो इसी का लाभ जो है अंग्रेजों ने उठाया और उन्हें यह ऑफर दिया कि अगर तुम हमें युद्ध में साथ दोगे तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो इस प्रकार से अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच संधि हुई।
इस संधि में अंग्रेजों ने मीर जाफर से कहा कि यदि सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में वह अंग्रेजों का साथ देगा तो उन्हें बंगाल का नवाब बना देगा। साथ ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को कुछ धन और व्यापारिक छूट भी देने की बात कही। उसके बाद जो है आनी मीर जाफर ने इस युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को 1,17,00,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त मीर जाफर ने अंग्रेजों से कोलकाता कासिम बाजार की किलेबंदी की अनुमति देने के लिए भी वादा किया। आनी के जब बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाएगा तब अंग्रेजों को यह 1,17,00,000 रुपया देगा। साथ ही इन्होंने यह कहा कि यदि आप मुझे बंगाल का नवाब बना दोगे तो मैं आपको कोलकाता या कासिम बाजार में किलेबंदी का अनुमति दे दूंगा। इस संधि के द्वारा मीर जाफर को यह भी कहा गया कि यदि भविष्य में कभी भी तुम्हें सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें सैनिक सहायता भी दिया जाएगा, लेकिन सैनिक का खर्च आप ही को देना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो है मीर जाफर को यह कहा गया कि यदि भविष्य में आपको कभी सैनिक की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको सैनिक का सहायता भी दूंगा, लेकिन जो सैनिक का खर्च होगा वो आप ही को उठाना पड़ेगा। इसका जो पाँचवा पॉइंट है वो है प्लासी युद्ध की घटनाएँ। 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। यानी कि 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया था। अंग्रेजों ने युद्ध करने के लिए अलीनगर की संधि का झूठा आरोप नवाब पर लगाया। सिराजुद्दौला को इस बात की उत्तर देने से पहले अपनी सेना को लेकर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। यानी कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो अली नगर का संधि हुआ था उनका आपने पालन नहीं किया है। इसके बाद 22 जून 1757 ईस्वी में प्लासी पहुंची। 23 जून 1757 को नवाब के सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच मुठभेड़ हुई। नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ के नेतृत्व में एक विशाल सेना चुपचाप खड़ी रही। सिर्फ मोहनलाल की एक छोटी सी सैनिक टुकड़ियाँ लड़ रही थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजों ने नवाब पर अली नगर की झूठा संधि का आरोप लगाकर और जो है 22 जून 1757 ईस्वी में प्लासी अपने सैनिकों को लेकर पहुंच गया, जिसके बाद जो है 23 जून 1757 में नवाब के सेना और अंग्रेजों के सेना के बीच मुठभेड़ हुई। नवाब की ओर से जो है कौन था तो मीर जाफर सेनापति था, और इस समय जो है मीर जाफर के नेतृत्व में एक विशाल सेना जो था वो चुपचाप खड़ा रहा। चुपचाप खड़ा इसलिए रहा क्योंकि जो है मीर जाफर अंग्रेजों से पहले मिल चुका था। इस प्रकार से जो है मीर जाफर के विश्वासघात के कारण प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला का पराजय होता है। नवाब के सेना मीर जाफर के दगाबाजी के कारण अंग्रेजों से पराजित हो गया, जिसके बाद सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भाग गया और मुर्शिदाबाद जा पहुंचा, लेकिन मीर जाफर के पुत्र ने उनकी हत्या कर दी। यानी कि यहाँ पर जो है प्लासी के मैदान में मोहनलाल की एक छोटी सी सैनिक टुकड़ियाँ लड़ रही थी, जिसको भी मीर जाफर ने हटने को कहा और वहाँ पर जो है काफ़ी सैनिक मारे गए, जिसके बाद जो है मीर जाफर के दगाबाजी के कारण अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों के सैनिकों से यह पराजित हो गया, जिसके बाद जो है सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ा और वह मुर्शिदाबाद जब पहुँचा तो जो मीर जाफर का पुत्र था उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है प्लासी युद्ध के परिणाम, यानी प्लासी युद्ध के क्या परिणाम हुए। प्लासी युद्ध के कारण ही बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नींव उडल गई। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर कहने को बंगाल का नवाब था, वास्तविक रूप से शासन व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी। यानी कि प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव उडल गई। इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो मीर जाफर था वो कहने को नवाब था, यानी नाम का नवाब था, वास्तविक शक्ति जो थी वो अंग्रेजों के हाथों में आ गई थी। मीर जाफर केवल अंग्रेजों के कठपुतली बनकर रह गया जो उनके इशारों पर चलता था। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, यह एक षड्यंत्र और विश्वासघाती का परिणाम था। मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद अंग्रेजों को व्यापार में छूट मिल गई तथा कोलकाता में किलेबंदी का भी अनुमति प्राप्त हो गया। यानी कि मीर जाफर जो है केवल अंग्रेजों के कठपुतली बनकर रह गया, वह उतना योग्य शासक नहीं था जिसके कारण अंग्रेजों के इशारों पर चलता था, जो अंग्रेज कहते थे उन्हीं के अनुसार से कार्य करता था। प्लासी के युद्ध के बारे में कहा गया है कि प्लासी का जो युद्ध था वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, यह एक षड्यंत्र और विश्वासघाती का परिणाम था। इस समय जो है मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद जो है अंग्रेजों को व्यापार में छूट दिया गया, साथ ही कोलकाता में जो किलेबंदी हो रही थी
उनको भी अनुमति दिया गया कि आप किलेबंदी को कर सकते हो। पलासी युद्ध के जो है क्या परिणाम हुए, तो पहला है राजनीतिक परिणाम हुए। इस युद्ध से भारत के राजनीतिक में घातक परिणाम हुआ। अब अंग्रेज व्यापारी के हाथों में राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गया। भारत में अंग्रेज की सत्ता कायम हुआ। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु यह अयोग्य व्यक्ति था जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। यह केवल नाम का शासक था, वास्तविक शासक तो अंग्रेज था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाने के बाद राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी सत्ता को स्थापित करने का मौका मिला। इसमें यह कहा गया है कि प्लासी युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हुई, उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षेत्रों में जो है अंग्रेज व्यापारियों का अधिकार प्राप्त हो गया। भारत में अंग्रेजी सत्ता अब कायम हो गई। इस युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, परंतु वह जो है एक अयोग्य व्यक्ति था जिसका लाभ जो है अंग्रेजों ने उठाया। यह केवल नाम का शासक था, वास्तविक रूप से शासन व्यवस्था तो अंग्रेज चलाते थे। इस प्रकार से जो है सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब के पद से हटाने के बाद जो है राजनीतिक क्षेत्रों में अंग्रेजों ने अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट बनाना है आर्थिक परिणाम। इस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ। मीर जाफर ने कंपनी को 1,17,00,000 रुपये दिया, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। बंगाल की लूट से ही उन्हें काफ़ी धन प्राप्त हुआ। मीर जाफर ने कंपनी के कर्मचारियों को 12,00,000 रुपये दिए, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव को 2,00,000 मिला। इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत के बंगाल क्षेत्र में स्थापित हुआ। साथ ही अंग्रेजों को व्यापार के क्षेत्रों में छूट मिल गई। आने के प्लासी युद्ध में जब सिराजुद्दौला का पराजय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ कि मीर जाफर ने कंपनी को जो है जैसा वादा किया था उसके अनुसार 1,17,00,000 रुपये दे दिया। जब 1,17,00,000 रुपये कंपनी को मिल गया, तो जो उनकी आर्थिक स्थिति है काफ़ी मजबूत हो गई। इसमें दूसरी बात यह हुई कि बंगाल के क्षेत्र से जो है उनके सैनिकों ने काफ़ी धन को भी लूटा था। साथ ही इसमें जो है मीर जाफर ने जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको 12,00,000 रुपये दिया गया। 12,00,000 रुपये में से जो रॉबर्ट क्लाइव था उनको केवल 2,00,000 रुपये मिला था। तो इस प्रकार से जो है पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के कारण भारत में ब्रिटिश नींव डल गई, और इस प्रकार से अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार मिल गया, साथ ही किलेबंदी का भी अधिकार मिल गया। उसके बाद हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। पहला है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 AD। दूसरा है प्लासी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। तीसरा है कि सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, तो मीर जाफर था। चौथा है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। पाँचवा क्वेश्चन है कि बंगाल पर राजनीतिक रूप में अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया, तो 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के बाद। छठा क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी, तो फर्रुक सियर। सातवां क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का। आठवां क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर होगा फर्रुक सियर। नौवां है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मीर जाफर ने। दसवां क्वेश्चन है किसके दगाबाजी के कारण अंग्रेजों की जीत हुई, तो नवाब के सेनापति जो थे मीर जाफर के कारण। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। बारहवां क्वेश्चन है कि क्लाइव बंगाल की गवर्नर कब बना था, तो 1757 AD में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आप अगर 50+ क्वेश्चन का PDF नोट्स लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है आप वहाँ जाके देख सकते हो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।